हेलो दोस्तों, ये मैच मैंने आज खेला है। तारीख है 27 दिसंबर 2020। मैं ब्लैक की साइड से खेल रहा हूँ और 1700 रेटिंग प्लस मेरा अपोनेंट वो वाइट की तरफ से खेल रहा है। उसने गेम की स्टार्टिंग e4 से करी और मैंने किया c5 सिसिलियन डिफेंस। फिर उसके बाद उसने किया c3 और मैंने सेंट्रल गेन करने के लिए किया d5। उसने किया e क्रॉसेस d5 और मैंने नाइट क्रॉसेस क्वीन क्रॉसेस e5 किया। उसके बाद उसने निकाला नाइट टू f3। मैंने नाइट को पिन किया तो उसने बिशप निकाल के नाइट को अनपिन किया और कैसलिंग की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने अपने एक नाइट को गेम में उतारा f6 पर। उसने अपने बिशप का डायगोनल ओपन कर रहा ताकि वो मेरे नाइट को पिन करने की कोशिश करे, यानी g5 पे अपने बिशप को लगाने की उसकी तैयारी है। तो इसलिए उसने किया d3। मैंने दूसरा नाइट निकाला, फिर उसने अपने बिशप को उतारा e3 पर और मैंने पॉन पुश कर दिया e5। अब यहाँ पर उसने कैसलिंग कर ली तो मैंने अपने बिशप को वहाँ से हटा लिया, g4 से, और d7 पर प्लेस कर दिया। फिर उसने मेरी क्वीन पर अटैक बना दिया। मैंने क्वीन को थोड़ा बैक कर लिया। उसके बाद अब उसने पॉन पुश किया a3 पर और मैंने दूसरे बिशप को, यानी डार्क स्क्वायर बिशप को d6 पर प्लेस किया ताकि मैं कैसलिंग कर सकूं। अभी मेरी चॉइस है कि मैं क्वीन साइड या किंग साइड कहीं भी कैसलिंग कर सकता हूं। अब यहां पर उसने नाइट को गेम में एंटर किया तो मैंने यहां पे क्वीन साइड कैसलिंग चुनी। उसके बाद इसने नाइट उतारा इसको एक अच्छी आउट पोस्ट देने के लिए। ओके, तो मैंने इस नाइट से अपने बिशप को बचा लिया क्योंकि ये नाइट इस बिशप को काटने आया था, मेरे डार्क स्क्वायर बिशप को। तो मैंने डार्क स्क्वायर बिशप को वहाँ से हटा लिया। फिर उसके बाद उसने एक मौका पाते ही पोन काट दिया अपने बिशप से। तो मैंने बुरा नहीं माना और मैंने अपने लाइट स्क्वायर बिशप को e8 पर प्लेस किया। आइडिया मैं बताता हूँ क्या है। मेरा आइडिया ये था इस बिशप को यहाँ रखने का कि जो मेरा e5 पर पोन दिख रहा है आपको, मेरी क्वीन के ऊपर रखा है, मैं इसको एक कदम आगे बढ़ाऊँगा और इसका मैं नाइट काट सकता हूँ इस तरह से। क्योंकि जब मैं अपना e5 पोन e4 पे रखूँगा तो नाइट और पोन दोनों पर अटैक हो जाएगा, तो पोन से पोन वो नहीं काट पाएगा क्योंकि मेरा जो रुख है उसकी क्वीन के बिल्कुल सामने है। तो मैं क्वीन काट दूंगा रुख से, इसीलिए मैंने अपने बिशप को रुख के सामने से हटाया था। अब यहाँ पर उसका पता नहीं क्या प्लान चल रहा है, क्यों वो ऐसी मूव्स चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर उसने पोन पुश कर दिया है a4, आई डोंट नो क्यों, लेकिन मैंने वही किया जो मैंने पहले ही प्लान कर रखा था। अब ये पोन मेरे पोन को नहीं काट सकता क्योंकि अगर इसने ऐसा किया तो मेरा रुख सीधा क्वीन के सामने रखा है, वो क्वीन को काट देगा। तो अब यहाँ से इसको नाइट हटाना चाहिए। तो यहाँ पर नाइट हट नहीं सकता, कंप्यूटर भी सजेस्ट कर रहा है कि आप रुख को लाइए e1 पे। लेकिन अगर मैं सोचता हूँ कि अगर इस नाइट को ही हटा लें यहाँ से, जैसे यहाँ रख दें या यहाँ रख दें, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसे। लेकिन उसने क्या किया गेम में, उसने नाइट से मेरे पोन पर अटैक करने की कोशिश की। अपने इस नाइट को यहाँ से वापस ले गया वो, क्योंकि यहाँ पर इसका नाइट कुछ कर भी नहीं रहा था, लेकिन ऊपर जा करके भी कुछ नहीं कर रहा। अब तो मैं अपने इस पोन से नाइट को काट ही सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं पीस अप हुआ और मेरा गेम काफ़ी प्लस हो गया है, जैसे कि आपको नीचे दिख रहा है 8.12। आगे बढ़ते हैं। इसने अपने बिशप से मेरे पोन को काट दिया। तो अब यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर क्या सजेस्ट कर रहा है। यस, कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि आप e5 पर अपनी क्वीन रखिए
क्योंकि पीछे बिशप भी रखा है आपका, तो सीधा वहाँ पे चेकमेट की थ्रेड बनेगी और चेकमेट कर सकते हैं अगर उसका ध्यान नहीं गया तो। लेकिन गेम में बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मैंने यही चाल चली थी और मेरा भी यही टारगेट है कि पीछे मेरा बिशप रखा है तो वहाँ जाकर मैं चेकमेट कर सकता हूँ। और अगर उसने चेकमेट बचा लिया जैसे ये करके, तो इधर इसका ये बिशप मैं ऐसे काट दूँगा। तो यानी दोहरी मार पड़ रही है, या तो बिशप बचा ले या चेकमेट बचा ले। तो उसने बिशप बचाया और ध्यान नहीं दिया चेकमेट हो रही है, तो यहाँ पर मैंने चेकमेट कर दिया। ओके बाय बाय। फिर हर